उधर इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा कर दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की तरफ खींच लिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने काला सागर में रूस के एक जंगी जहाज को उड़ा दिया और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया के पास काला सागर में तैनात रूस के एक जंगी जहाज को निशाना बनाया जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ। काला सागर में रूस की नौसेना का एक ताकतवर बेड़ा तैनात है जिसका काम यूक्रेन के समुद्री तट पर नजर रखना और क्राइमिया की सुरक्षा करना है। दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के इस नेवल बेस पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस ने दी हैं। लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ काला सागर में नहीं बल्कि क्राइमिया में भी बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में 17 ड्रोन से हमला किया ताकि पुतिन की फौज को तहस नहस किया जा सके। यूक्रेन ने क्राइमिया के सेवस्तोपोल में बने रूसी नौसैनिक मुख्यालय की इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन इससे पहले ही रूस के डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन को नष्ट करने का दावा कर दिया। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था लेकिन साल 2014 में रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन ने इसे वापस रूस से छीनने की कसम खा ली और इसी वजह से यूक्रेन बार बार क्राइमिया में हमला कर रूस की फौज को निशाना बनाता रहता है। लेकिन रूस ने अपनी सेना के साथ साथ अपना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात कर रखा है और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने काला सागर में हमला करने के लिए ब्रिटेन से मिली घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और रूस के जंगी जहाज को उसके बेड़े में शामिल होने से पहले ही तबाह कर दिया। और दावा किया गया कि यूक्रेन ने इस हमले में ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस ने दी। इस मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल से 250 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसका वजन 1300 किलो है और ये 5 मीटर लंबी होती है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और ये मिसाइल अपने साथ 450 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। ब्रिटेन और फ्रांस ने ये मिसाइलें एक शर्त के साथ यूक्रेन को दी थी। शर्त ये थी कि इनका इस्तेमाल केवल यूक्रेन की सीमा में ही किया जाएगा लेकिन रूस का आरोप है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रूस के कुछ शहरों और क्राइमिया को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जेलेंस्की न तो रूस के शहरों पर हमले की बात को सही मानते हैं और न ही क्राइमिया को रूस का हिस्सा और इसीलिए यूक्रेन ने काला सागर में तैनात रूस के बेड़े पर हमला कर दिया क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही काला सागर बेहद अहम है। काला सागर के जरिए ही यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज का निर्यात किया जाता था जिसके लिए यूक्रेन और रूस के बीच काला सागर अनाज समझौता हुआ था जिसके तहत काला सागर में फंसे अनाज से भरे जहाज निर्यात के लिए वहां से निकलते थे और इस दौरान रूस की सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करती थी। ये समझौता ओडेसा समेत काला सागर के किनारे 3 बंदरगाहों से अनाज के निर्यात के लिए हुआ था लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भड़के पुतिन ने ये डील तोड़ दी जिसकी वजह से यूक्रेन का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया। ऐसे में यूक्रेन काला सागर पर हमला कर अपने बंदरगाहों पर कब्जा पाना चाहता है ताकि वो एक बार फिर अपने अनाज का निर्यात कर सके क्योंकि काला सागर के आसपास बने ज्यादातर बंदरगाह रूस के कब्जे में और रूस ने इन सभी बंदरगाहों पर अपनी सबसे घातक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं।